तुम्हें क्या लगता है, अनीका हार मानने वालों में से? कभी नहीं। अभी तुम देखो आगे होता क्या है। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। अनीका, थैंक यू। शुक्रिया? किस बात का? अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस वक्त घर में नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही वक्त पर आ गए। तुम्हें देखकर जैसे मुताहिर का गुस्सा ही कम हो गया था। मैं जानती हूँ कि मुताहिर का गुस्सा ज्यादा है और मुताहिर बिला वजह तुम पर गुस्सा कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर का माहौल खराब हो। और देखो, मुताहिर की वजह से घर का माहौल कितना अजीब हो गया। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हें पहचानने में मैंने गलती की। तो तुम मुझे समझती थी कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती, या मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती? ऐसा नहीं है। नहीं, मैं वो बस मैं जानती हूँ फातिमा, सिर्फ तुम ही नहीं, सब लोग, घर के सभी लोग मुझे ऐसे ही समझते हैं कि शायद मैं बहुत बदतमीज हूं। ना कहने वाली बात भी मैं हमेशा मुंह पे कह देती हूँ, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूं। अब देखो ना, मुताहिर और मेरी शादी किस्मत में लिखी थी, हो गई। लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। फातिमा जी। बड़ी अम्मा। देखो बेटा, अजलान ने कपड़े गंदे कर लिए, चेंज कर दो। लाए, मैं करा देती। लाओ, मैं करवा देती हूँ। तुम रहने दो अनिका, फातिमा तुम चेंज कराओ। अजलान के कपड़े आज उसकी छोटी अम्मी चेंज करवाएगी। जाओ, इसके कपड़े चेंज करवा दो। फातिमा, अजलान के कपड़े तुमको चेंज करवाना थे। अरे कुछ नहीं होता बड़ी अम्मा, अनिका भी अजलान से बहुत मोहब्बत करती है। उसने मुझे काफी बार कहा है कि अजलान के काम करना उसे अच्छा लगता है। और आप ही तो कहती हैं कि औरत कोई भी हो, उसके दिल में ममता जरूर होती है। मैं अजलान के कपड़े देकर आती हूँ उसे। अम्मा जी प्लीज, अब आप कुछ मत छुपाइएगा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और फातिमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर बात क्या है? मैं तो फातिमा को बचपन से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी बेटी रही है, अच्छी बहू है, अच्छी बीवी है। फिर भी पता नहीं, साइमा और मुताहिर को हर वक्त उससे शिकायत रहती है। आखिर मसला क्या है? उस मसले का नाम उमेर है। मुताहिर और फातिमा के दरमियान अगर झगड़ा होता है तो उमेर को ही लेके होता है। तुम दोनों तो समझदार हो, समझ सकते हो। मियां बीवी के दरमियान अगर कोई तीसरा आ जाए तो बात बढ़ती है, कम नहीं होती। तो क्या उमेर ने फिर कुछ किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो कुछ हो गया है वही बहुत है। माजी को भूल ही नहीं पाता, बस हर वक्त फातिमा को माजी के ही ताने देता रहता है। वो खुद को समझता क्या है? मैं बात करता हूं उससे। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों को मिलकर इस मसले का कोई हल सोचना चाहिए। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे मुताहिर को समझाएं कि उसके और फातिमा के दरमियान कुछ नहीं है।
और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की वजह से फातिमा की जिंदगी अजीरन हो। मैंने तो तुम लोगों से पहले भी कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उमेर की शादी कर दो। यही तो मसला है कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है और ना ही वो शादी के लिए राजी हो रहा है। अगर उसको समझ में नहीं आता तो तुम अपनी पसंद से कर दो उसकी शादी। मां जी ठीक कह रही, इसका हल यही है कि जल्द से जल्द हम उमेर की शादी करते। हाँ, यही इस मसले का हल है। उमेर भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और शायद मुताहिर को भी उसके आने जाने पर कोई एतराज ना हो। अगर मुताहिर के दिमाग में फिर भी ये फितूर रहा तो क्या? अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। बेहतर यही है कि तुम उमेर के लिए लड़की ढूंढो। हम उमेर की शादी कर देंगे। मैं बात करता हूं उससे। यही सही है नसरीन, तुम्हारी परेशानी भी दूर होगी और तुम्हें भी हाथ बटाने के लिए एक बहू मिल जाएगी। अम्मा जी चाहती तो मैं भी यही हूँ। अगर देखिए, मैं भी उमेर से बात करके देखती हूँ।